ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। जी हां श्रोताओं, जीवन में हर दिन एक नई चुनौती या एक नई समस्या आती है और आज हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस की। और ये समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहां दुश्मन अदृश्य है और वो हमारे सामने किस रूप में आएगा ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है और हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कोविड 19 से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे, देश में टेस्टिंग और कोरोना से जुड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नेतृत्व करने वाले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संस्थान डॉ सी जी पंडित नेशनल चेयर के डॉ रमन आर गंगाखेड़कर। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 01123314444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIANews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हेलो जी, डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, आपसे सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोविड के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR सभी क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होने के बाद 15 अगस्त से इंडिजीनियस यानी स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है और ICMR ने ये महत्वपूर्ण कोविड 19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है और भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ मरीजों के नाम दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी 7 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। सरकार की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि वैक्सीन, जिसे हमको वैक्सीन का नाम दिया गया है, अपनी तय समय सीमा में बनकर तैयार हो जाए। क्या कुछ कहेंगे इस वैक्सीन के बारे में और क्या कुछ तैयारी चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, हमको एक चीज समझना है कि ये जो वैक्सीन है अपने देश में बनी हुई वैक्सीन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वो जो वायरस आइसोलेट किया था वो वायरस उन्होंने भारत बायोटेक के साथ में कोलैबोरेशन करके उन्होंने उससे वैक्सीन बनाई है। अब ये वैक्सीन के जानवरों में जो ट्रायल है वो ट्रायल खत्म हो चुकी है और अभी उसके ह्यूमन ट्रायल होना ये बाकी है जी। अब जब हम ह्यूमन ट्रायल्स की जब बात करते हैं तो ये ह्यूमन ट्रायल के होते हैं 3 स्टेजेस जी। पहली स्टेज में हम ये देखते हैं कि ये वैक्सीन जो हम देते हैं ये सेफ है या नहीं है, और दूसरी बात वो थोड़े लोगों में दी जाती है और उन लोगों में ये भी देखा जाता है जी कि वैक्सीन देने के बाद में उस विषाणु के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज तैयार हुए या नहीं हुए जी। फेज 2 में हम ये देखते हैं कि ये वैक्सीन देने के बाद में ये जिसको हम विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हुई क्या, ये भी देखते हैं, और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जो होते हैं यानी वैक्सीन देने के बाद में समझ लीजिए कि 6 महीने या 1 साल के अंदर जो भी कुछ ये वैक्सीन देने की वजह से होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं जी, जी, जी वो हो सकते हैं क्या, ये देखने की एक कोशिश होती है। अब ये देखने के बाद में फेज 3 ट्रायल होती है जो बहुत बड़ी होती है वैक्सीन ट्रायल्स में। उस वैक्सीन ट्रायल के अंदर ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन अगर दें तो कितने लोगों को नए सिरे से बीमारी नहीं होगी, ये देखने के लिए ये फेज 3 करते हैं। और फेज 4 जो ट्रायल होती है वो ट्रायल मोड में नहीं होता है,
लेकिन वो जो ट्रायल होती है उसमें आम लोगों को आप जब वैक्सीन देना शुरू करेंगे तो जो 2 साल के ऊपर के भी जो साइड इफेक्ट्स हैं या कुछ नए अगर दुष्परिणाम हमको दिखते हैं तो उसकी जानकारी रखने के लिए हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। जब इस्तेमाल होती है वैक्सीन तो कंपनी का एक रोल होता है कि जो भी कोई साइड इफेक्ट बोले वो साइड इफेक्ट नोट कर ले और वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उनको बताना है। अगर वो ज्यादा होते हैं तो उनको प्रोडक्ट इंसर्ट में भी डाला जाता है। आमतौर पे ये जो वैक्सीन ट्रायल्स होते हैं ये पुराने जमाने में यानी कोविड आने के पहले हम ये बोलते थे कि तकरीबन 7 से 10 साल लगते हैं जी। लेकिन ये जो पैंडेमिक है ये पैंडेमिक में ये बहुत जल्दी आसानी से दूसरे लोगों को बीमारी लग रही है, उसकी वजह से उसको कम करने के अलग अलग ढंग से ये वैक्सीन ट्रायल का पूरा होने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय हमको लगता है। अब ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन की पहली शायद फेज 1 ये 15 अगस्त तक हो जाएगी, उसमें हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो वैक्सीन है वैक्सीन से एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सेफ है या नहीं है, और उसके बाद में ही वो देख के फेज 2 ट्रायल भी शुरू हो जाएगी। आमतौर पे जो बोला जाता है 15 अगस्त को जो आप बोल रहे हैं जी, जी। वो 15 अगस्त को मेरे हिसाब से शायद वो कंपनी खुद ये वैक्सीन, क्योंकि एक ढंग ये होता है कि वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करना वो ट्रायल करना, और दूसरा ढंग ये होगा कि जिस तेजी से ये बीमारी लोगों को लग रही है उनको ये ट्रायल्स खत्म होने के बाद में हमको जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन देना पड़ेगा जी, इसका कमर्शियल फॉर्म ये असरकारक निकली तो ये करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी चाहिए। हम वैक्सीन उतने, हमारी तादाद देखिए आप 135 करोड़ के नजदीक है, तो इतने लोगों को अगर देना है तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना पड़ेगा। शायद ऐसे होगा कि ये कंपनी ने सोचा है कि 15 अगस्त से हम अगर शुरू करें रिस्क तो होगी, उसमें पैसा थोड़ा लगेगा, अगर ये वैक्सीन काम करे तो ये तो अच्छा हो जाएगा, उसको ट्रायल जैसे खत्म होंगे इमीडिएटली हमको लोगों को देने में आसानी हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं हुआ तो जो पैसा लगाए हैं वो शायद डूबने का डर होता है, लेकिन जिस ढंग से ये पैंडेमिक फैल रहा है ये रिस्क लेना लाजमी है, और ये चारों तरफ दुनिया में ये इस किस्म की रिस्क ली जा रही है। सभी लोग जैसे वैक्सीन ट्रायल्स में जाते हैं तो प्रोडक्शन भी इंसानों को देने के लिए जो वैक्सीन बनाना है उसका प्रोडक्शन भी चालू कर। डॉक्टर रमन, आपने बताया कि जैसे इसकी अलग अलग ट्रायल स्टेज हैं जो ह्यूमन पे हम ट्रायल्स करेंगे, तो अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो और दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में वहां पे क्या कुछ चल रहा है, वहां पे किस स्टेज तक लोग पहुंचे हैं वैज्ञानिक? अभी शायद 2 ही वैक्सीन हैं जो फेज 2 में गए हैं। फेज 1 तो छोटी ट्रायल होती है जी। वो करने के लिए समझ लीजिए 1-1.5 महीने का टाइम लगता है, और उसके बाद में फेज 2 ट्रायल होती है। वो फेज 2 में 2 वैक्सीन अभी पहुंच गए हैं। एक जो है वो ऑक्सफर्ड की ट्रायल है, ऑक्सफर्ड में जो वैक्सीन बनी थी जी, कैडॉक्स करके बोलते हैं, वो कैडॉक्स वैक्सीन उसका हो रहा है। दूसरा एक चाइनीज वैक्सीन है जो साइनोवैक करके कंपनी ने बनाई है, उसके वैसे ही ये भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उनके दोनों की भी इनएक्टिवेटेड वायरस के ऊपर है। वो साइनोवैक की जो वैक्सीन है वो भी फेज 2 में है। डॉक्टर साहब, इसमें जब हम वैक्सीन का ट्रायल करते हैं तो जब हम सैंपल्स की बात करते हैं तो इसका सैंपल साइज एक एवरेज कितना होता है? अभी एवरेज फेज 1 अगर रही जी तो समझ लीजिए, ये अंदाज बोलना है तो समझ लीजिए 40 से 50 ऐसे लोगों के ऊपर वो फेज 1 करते हैं जी। फेज 2 में तकरीबन 100 से 200 या 250 लोगों के अंदर होता है। ये तो हम जो एजम्पशन रखेंगे उस हिसाब से सैंपल साइज कैलकुलेशन होता है, और जो फेज 3 होती है उसमें हजारों की तादाद में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको देना पड़ता है जी। डॉक्टर रमन, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को वैक्सीन के बारे में दी, और इस बीच हमारे बहुत से श्रोता भी कॉल कर रहे हैं, हमें कॉल ले लेते हैं।
अरुण जी ने हमें कॉल किया है महाराष्ट्र से, यवतमाल से। हेलो अरुण जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। ये हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ये हार्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी यानी क्या है कि समझ लीजिए मेरा 100 लोगों की बस्ती है, एक गांव है उसमें 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोगों को ये बीमारी वो गांव में शुरू हो गई तो क्या होगा, जब वो फैलना शुरू होती है तो समझो 15 लोगों को लगी, तो ये विषाणु दूसरों को लगने के लिए उसके पास अभी भी 85 लोग हैं जो उसको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि जब उसका चांस एक आदमी इन्फेक्टेड आदमी ऐसे आदमी से मिले कि जो निगेटिव है, उसको बीमारी लगी नहीं है, ऐसा मिलने का चांस ज्यादा होता है। जैसे ही ये 50 से ज्यादा लोगों को ये बीमारी पहले ही लग चुकी होगी तो उसको दूसरे लोग मिलना ये कठिन हो जाता है। जनरली क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी में 100 में से 60 लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पे नए सिरे से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मिलने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब 60% लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बीमारी लग चुकी है और उसकी वजह से ये बीमारी एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि उसको बीमारी न लगने वाले इंसान के संपर्क में आने का चांस कम होगा। जी, और इसके बाद अब हम रुख करते हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधर मिश्र जी। हेलो राजधर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। सर मेरा दो सवाल था। सर मेरा पहला सवाल है कि अगर घर में किसी सदस्य कोरोना से मृत्यु हो जाती है और इस घर में 4-5 सदस्य हैं तो क्या सर उनको भी, जो सदस्य हैं उनको भी कोरोना होने का कोई डर है क्या? और सर मेरा दूसरा सवाल यह है कि हम जैसे हिंदू रिवाज में अगर कोई डेथ हो जाती है तो लोग 2-5-10 लोग जाते हैं कोई शमशान घाट में जलाते हैं, तो सर इसमें भी जलाते हैं तो फिर से कोई जो उड़ते हैं जो अल्लाह वो, इसमें से कोई खतरे क्या सर कोरोना होने का जो और आदमी जाते हैं जो साथ में? आपने दोनों भी अच्छे सवाल पूछे हैं। अगर घर में किसी की कोरोना की वजह से मृत्यु किसी का हुआ होगा तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है ना कि किसी को बीमारी हो गई तो हम घर में के लोगों को पूछते हैं किसी को बीमारी के लक्षण दिखते हैं क्या, अगर दिखते हैं तो उनकी जानकारी जांच करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर डेथ ही हो गया तो सबसे बड़ी बात क्या, घर में पहले ही किसी को बीमारी लग चुकी होगी, उसके लिए हमको उसको सवाल पूछना पड़ेगा और अगर कुछ लक्षण है तो उनकी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी का मृत्यु हुआ है और वो घर में उसको बॉडी लाए हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे बॉडी अगर लाए तो वो दुख में इंसान जो होता है वो कई जगह पे हाथ लगाए और वो रोता है, और जब रोता है तो उसको चारों तरफ से आंख में से पानी चालू है, नाक के वहां से पानी चालू है। उस वक्त मैंने मेरा हाथ उस इंसान को जो डेड बॉडी थी उसको हाथ लगा के अगर नाक और मुंह को लगाया तो वो लगने का डर, बीमारी लगने का डर बढ़ जाता है, इस ढंग से भी ये बीमारी फैलती है। रहा दूसरा सवाल, किसी इंसान को अगर मैंने क्रेमेट किया, उसको उसका शरीर जो है उसको जला दिया जी, तो ये बीमारी फैलेगी क्या? ये बीमारी फैलते नहीं है, आप उसको जलाने की वजह से नहीं फैलेगी, उसको बरी करके जमीन में गाड़ दिया है तो भी उससे भी नहीं फैलेगी, हमको उसका डर रखना जरूरी नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद अब हम रुख करते हैं हरियाणा में सोनीपत का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं महावीर जी। हेलो महावीर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। तो ये पूछना चाहता था वापस अगर वो मसला लगता है क्या होता है, थोड़ा बदल जाता है वो का? जी महावीर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर वायरस मुंह में चला जाता है जी,
तो मुंह का टेस्ट बदल जाता है। जी डॉक्टर साहब, जो नए लक्षण आ रहे हैं इसके बारे में इनका सवाल है कि क्या अगर ये वायरस से संक्रमण होने के बाद मुंह का टेस्ट बदल जाता है क्या? सही है ना, इसके दो लक्षण होते हैं जिससे हम भी पहचान सकते हैं। दूसरे अगर कोई लक्षण रहे और उसके साथ में मुझे ऐसे पता चला कि मैं जब खाना खा रहा हूं उसका स्वाद पहले के वैसे नहीं लग रहा है, टेस्ट अगर खराब हो गया है तो भी ये कोरोना का लक्षण हो सकता है। दूसरी चीज ये होती है, जैसे हम फूल को सूंघते हैं, अगर वो सूंघने के इसमें हमको आज पता चलता है कि मुझे अभी बास बराबर ढंग से आ नहीं रही है, उसका सुगंध आ नहीं रहा है जी, तो इसका मायना ये बीमारी का एक लक्षण भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये दो चीजें रही तो यानी अलग अलग इससे अगर किसी की टेस्ट चले गई, किसी को सुगंध नहीं आ रहा है, तो उतने पे हमने समझना नहीं है कि यही बीमारी से होता होगा, क्योंकि वो और बीमारियों से भी होता है। लेकिन अगर मुझे पहले सब ये हो रहा था, बुखार आया, बुखार आने के बाद में मैंने थोड़े या खांसी आई, उसके बाद में मैंने थोड़े दिन में ये गंवाया, ये दोनों चीजों में से कोई भी चीज गंवाई, तो शायद ये कोविड का लक्षण रहता होगा, इसलिए उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी, और डॉक्टर साहब अब हम रुक करेंगे छिंदवाड़ा का, जहां से हमारे पास फोन आया है सीमा श्रीवास्तव जी का। हेलो सीमा जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, जी सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर ये जैसे हम लोग दूध यूज करते हैं गाय भैंस का, तो जैसे अभी तो कोरोना हर तरफ मतलब फैला हुआ है, तो गाय भैंस तो स्नान भी नहीं करते हैं, वो लोग तो सफाई से भी नहीं मतलब अपन लोग उनको वो करते हैं, पर उनका जो दूध है तो दूध को कैसे यूज करना चाहिए? वो तो कहीं का भी पानी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो क्या उन लोगों से हम लोगों को फैल सकता है कोरोना? हमको एक चीज समझना है कि जानवरों की बीमारियां अलग होती है, इंसानों के शरीर में जाने की शक्ति हर विषाणु में नहीं होती, वैसे ही हर जानवर के अंदर हर विषाणु की शक्ति उसमें जाके रहने की नहीं होती है। आपने कहा सो सही है कि ये कहीं भी जाके पानी पी लेंगे, कुछ खा लेंगे, अगर समझ लीजिए उसके ऊपर ही कोविड पड़ा होगा और वो उसने खा लिया, तो उसकी वजह से उसको बीमारी लगेगी क्या? उसको बीमारी लगती नहीं है, क्योंकि वो जानवर है, ये इंसानों में ही ये कोविड 19 पैदा कर सकता है। आपका थोड़ा सा ये सोच इसलिए हो रहा है कि आपने सुना होगा कि ये जो बीमारी है वो बैट्स की वजह से हुई, लेकिन हमने एक समझना जरूरी है, ये लाखों साल में कभी तो भी एकाध बार ये विषाणु ऐसे बदलता है उसका शरीर, उसके जीन्स जो होते हैं, ऐसे अगर बदल हो जाए तो कई, ये सबसे रेयर इवेंट होता है कि कभी कभार वो इंसान के अंदर जाने की शक्ति, उसमें जो बदलाव होता है उसकी वजह से वो पाता है। लेकिन आज अगर कोई मैं बैट के नजदीक जाऊं तो मुझे बीमारी लगने का चांस वो उसके वजह से ये नहीं होता है, क्योंकि जानवरों के विषाणु और इंसान के विषाणु ये अलग, ज्यादातर अलग ही रहते हैं। जी, और डॉक्टर रमन, पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे पास श्रोता फोन कर रहे हैं, अब हम रुख करेंगे राजस्थान के जोधपुर का, जहां से हमारे पास फोन आया है ताज मोहम्मद का। हेलो ताज जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। इस्लाम नगर चांदलवा जो जिला जोधपुर, ताज मोहम्मद बोल रहा हूँ साहब। मेरा डॉक्टर साहब ने ये सवाल है कि मैं किसान हूँ और घर में बैठा मास्क लगाने या खेत में, ये जरूरी है या नहीं है साहब? घर में तो हमने मास्क लगाना, यानी मास्क हम कब लगाते हैं? मास्क लगाते हैं जब मेरा संपर्क और किसी से होने का डर होगा। आप समझ लो मैं खेत में गया और खेत में मेरे आजू बाजू कोई रहने वाला नहीं, मैं अकेला ही वो खेत में फिरने वाला हूँ, तो मुझे मास्क लगा के कोई उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो कोई हवा से तो बीमारी आना नहीं है। लेकिन जिस वक्त किसी दूसरे इंसान के साथ संपर्क होने का चांस है, उस वक्त मैंने मास्क पहनना है, भले वो खेत रहे या मेरा घर रहे। दोनों तरफ अगर मैंने अभी इस वक्त अगर पहनना शुरू किया तो मुझे बीमारी लगने का चांस मैं कम करता हूँ।
और डॉक्टर रमन, ग्लव्स को लेकर भी हमारे कई श्रोताओं ने सवाल पूछा है। रुचि जैन दिल्ली से पूछ रही कि मार्केट में लैटेक्स और नॉन लैटेक्स ग्लव्स अवेलेबल हैं, नाइट्राइल ग्लव्स भी हैं, तो कुछ ग्लव्स ऐसे हैं जिनके अंदर पाउडर भी हैं, तो किस तरह के ग्लव्स के इस्तेमाल की आप सलाह देंगे? अच्छा, ये तीनों किस्म के ग्लव्स के आपने नाम पूछे, ये बहुत अच्छा किया जी। नाइट्राइल ग्लव्स जो होते हैं, जो रंगीन होते हैं, यानी ब्लू कलर के जनरली जो मिलते हैं, ब्लू या वायलेट कलर के, ये जो ग्लव्स होते हैं ये सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। सर्जिकल ग्लव्स यानी किसी मरीज का अगर मैं ऑपरेशन करने निकलूं जी, तो उसके शरीर में जब हाथ डालूंगा तो मेरे ग्लव्स के ऊपर कोई जंतु या जो कोई विषाणु उसके ऊपर पड़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो स्टराइल होते हैं। उसको पहले ही उसको इतना साफ रखा हुआ होता है कि उसके ऊपर कोई विषाणु या जीवाणु पाए नहीं जाएगा जी। और आप सीधे ही अपना वो ग्लव्स पहन के ऑपरेशन करने के लिए उसके पेट में हाथ डाल सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आम आदमी ने पहनना चाहिए क्या? आम आदमी ने पहनने के लिए ये ग्लव्स पहनना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सर्जिकल ग्लव्स है। आप अगर पहनेंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होना है, क्योंकि आप जिस ढंग से हम लोग आमतौर पर जिंदगी जीते हैं, मुझे स्टराइल ग्लव्स की जरूरी नहीं होती है। रहा दूसरा सवाल लैटेक्स और नॉन लैटेक्स, जो यानी जिसके अंदर एक में पाउडर है और एक में पाउडर नहीं है। अब अगर मैंने पाउडर वाले ग्लव्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि मैं जब ग्लव्स पहनने जाऊं तो अंदर जब हाथ डालने जाता हूं तो वो अगर उसके ऊपर पाउडर न रही तो हाथ डालना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको वो ग्लव्स जो होते हैं वो जी फट भी सकते हैं, अंदर फट जाने का डर बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं ऐसे ग्लव्स अगर पहनूंगा तो या तो वो फट जाएंगे तो मुझे उसका फायदा नहीं होता है जी। या तो आप ऐसे ग्लव्स लें जिसमें पाउडर है, अगर नहीं है समझ लीजिए जो सस्ते होते हैं जी, उनको अगर मैंने लिया तो अपने बाहर से भी मैंने पाउडर अगर डाल दी हाथ के ऊपर और फिर पहना तो भी कुछ तकलीफ हमको होगी नहीं जी। डॉक्टर रमन, बहुत महत्वपूर्ण बात ग्लव्स को लेकर आपने हमारे श्रोताओं को बताई। और अब हम रुख करते हैं चूरू का, राजस्थान में, जहां पे सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान की जब हम बात करते हैं तो चूरू का नाम आता है। ओम प्रकाश जी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो ओम प्रकाश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्ते जी। मेरा 76 एज है, मैं जब से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है तब से बाहर नहीं निकला, घर में कंपाउंड है, भीतर ही घूमता हूँ, प्राणायाम करता हूँ 1 घंटा। मेरा हेल्थ है कमजोर है, ये फोलिक एसिड वगैरह साल डेढ़ साल से लेता हूँ, फोलिक एसिड टेबलेट वगैरह, बाकी और क्रोनिक डिजीज नहीं है। फिर मैं हॉस्पिटल एक बार चेकअप कराने जाना चाहता हूँ, तो आपकी राय जानना चाहता हूँ कैसे जाऊँ क्या करूँ। नहीं, किस चीज के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते? मतलब ऐसे है कि डाइजेशन कमजोर है, उसको थोड़ा कभी चेक कराना या ब्लड चेक कराऊंगे, है तो नहीं, फिर भी 3-3 महीने से मैं चेक कराना चाहता था, तो देखिए मैं जाऊं या नहीं जाऊं क्या करूं, ये आप जैसा सजेशन करेंगे। बोलूंगा मैं। देखिए, एक चीज हमको समझना है, आपको आपको जो लग रहा है ये अगर सिर्फ आपको वहम है कि मैं घर में भी हूं फिर भी कोविड हुआ होगा इसलिए मैं जांच करने जाना है, शायद उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दूसरे कोई लक्षण है जिसकी वजह से आपको जाना जरूरी लग रहा है, तो हमने खुद को एक सवाल पूछना चाहिए कि ये जो हमको तो अस्पताल में जाने की इच्छा हो रही है या डॉक्टर के पास जाने की इच्छा हो रही है, इसके लक्षण जो है इतने हैं क्या कि जो मुझे लगता है इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मेरे लक्षण उतने नहीं हैं, कुछ इतनी बड़ी बीमारी नहीं है मुझे, और मैं ये कोविड के डर से मैं डॉक्टर को बताना चाहता हूं कि क्या मैंने लक्षण कोविड के न रहते हुए भी मैं बता तो लूं मुझे बीमारी है क्या, ऐसे करने जाऊंगा तो हॉस्पिटल में भी क्या होता है कि जो इसेंशियल सर्विसेस है उसके लिए आइए करके बोलते हैं, कि जो इमरजेंसी है उसमें आ जाइए आप, क्योंकि हॉस्पिटल में कई किस्म के मरीज होंगे, उनमें के कुछ मरीज शायद कोरोना के भी होंगे। अब वो अगर मरीज है, उनके साथ संपर्क रखते वक्त मैंने सेफ डिस्टेंस नहीं पाला, मैंने गलत जगह पे अगर कुर्सी को कहीं हाथ लगाया या डोर को खोलते वक्त हाथ लगाया,
वो जहां बहुत सारे लोग हाथ लगाते हैं और फिर मैंने हाथ मुंह को और या नाक को लगाया तो मुझे रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो आप जाना जरूरी समझते हैं तो आपने क्या करना चाहिए कि मैंने मास्क पहनना है, सेफ डिस्टेंस वो मेंटेन करना है और कुछ भी हो जाए, कहीं भी हाथ लगे तो उसको मैंने जब तक मैं साबुन से धोता नहीं हूं अपने मुंह को और नाक को हाथ लगाना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये इतना आपको लंबा जवाब क्यों दिया कि आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं रूटीन चेकअप को जाऊं तो शायद मैं बोलूंगा नहीं कि जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस ढंग से आपने लक्षण बताए आपको कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है तो उसके लिए रूटीन चेकअप के लिए जाने की उतनी जरूरत है ऐसे लगता नहीं है। जी डॉक्टर, आपकी सेहत आपको मालूम, अगर आपको लगता है कि लक्षण तीव्र है मुझे बताना ही पड़ेगा तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यह एहतियात बरतना बहुत जरूरी रहेगा। जी, और धीरे धीरे समय कम हो रहा है, अब हम लोग रुक करेंगे जम्मू का, जहां से भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, डॉक्टर मेरे तीन क्वेश्चन है। एक ये है कि ये बीमारी ड्रॉपलेट से फैलती है, दूसरा एक आदमी ऐसा है कि जो छींकता भी नहीं है, खांसता भी नहीं है और उसमें कोरोना के सिम्टम्स है, वो लोगों के संपर्क में है या कोई वो सेल्समैन या कोई शॉपकीपर है वो डील करता है, तो इससे ये संक्रमण कितने लोगों तक फैल सकता है? ठीक है, और जी डॉक्टर साहब थोड़ा समय की कमी है, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी ये इन्फेक्शन आपने सही बोला, ये ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है। मुझे मैंने अगर छींक आई या खांसी आई तो ये बीमारी दूसरे को लगने का चांस बढ़ता है। अगर वो दोनों चीजें उसके मुंह के ऊपर अगर गिरे और वो मास्क नहीं पहनता होगा तो उसमें रिस्क ये बढ़ जाती है। लेकिन कोई ऐसे इंसान है कि जिसको ये दोनों भी चीजें नहीं हुई है, जिसको हम लक्षण कोई नहीं है बीमारी का ऐसा जो समझते हैं, उस इंसान से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कई गुना कम होता है और वो कम से कम दिन उस किस्म का चांस बनता है जी। तो उस इंसान से बीमारी लगने का चांस कम होता है। आपको छींकने वाला, खांसी वाला या बुखार वाला जो इंसान है उस इंसान से बीमारी लगने का चांस ये ज्यादा होता है, ये समझना जरूरी है। जी, और डॉक्टर रमन, बहुत सारे हमारे श्रोता जो है सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि सैनिटाइजर्स को लेकर आम लोगों के मन में बहुत दुविधा रहती है। मार्केट में कई तरह के सैनिटाइजर्स आए हैं, चाहे वो इथेनॉल बेस्ड हो या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, जब हम मार्केट में सैनिटाइजर्स खरीद रहे हो तो हमें क्या देखना चाहिए? बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहिए। नहीं, मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, सैनिटाइजर्स तो ठीक है, सैनिटाइजर उसने इस्तेमाल करना चाहिए जो वो उसको उसके बगैर, यानी बहुत देर वो बाहर फिरता है उसको हाथ साबुन से या पानी, साबुन के पानी से धोने की चांस नहीं है। मुझे अगर खुद को पूछा गया, मैं खुद क्या करता हूँ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम करता हूँ, अपना अपना सिर्फ साबुन से धोना है, क्योंकि साबुन से अगर हाथ धोया वो अच्छे ढंग से हम धोते हैं। रहा सवाल ये सैनिटाइजर जब लेते हैं वो चिपकने वाला अगर सैनिटाइजर रहा तो उसमें कुछ, यानी लोगों ने कुछ और मिक्स किया होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन बार बार आप अगर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें तो हाथ को चमड़ी के बीमारियां होने का भी उतना ही डर रहता है, ये समझ के आपको जो करना है आप सोच के कर सकते हैं। जी श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, आप कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि दूर रहने वाले तुझसे यही, बस यही कहूंगा कि जब भी मेरा ख्याल आए तुम अपना ख्याल रखना। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।